वेलकम बैक टू माय चैनल चिली मिली। सो फ्रेंड, आज मैं आपको जिन सेलिब्रिटी से मिलवाने वाली हूँ वो एक बहुत मशहूर और बेहतरीन सिंगर है और मैंने तो उनके गाने सुने और यकीनन आप लोगों ने भी उनके सॉन्ग सुने ही होंगे। सो प्रेजेंटिंग द वन एंड ओनली मिस्टर मुस्तफा जाहिद। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक हूं। अस्सलाम वालेकुम अली मामा भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। बंगल, मुझे तो आपसे मिलके मतलब इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मतलब मैं आपके सॉन्ग सुनती हूँ और मेरी मतलब पूरी फैमिली आपके बहुत ज्यादा सॉन्ग सुनती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? इतनी छोटी एज में आप मेरे गाने सुनते हैं? हाँ, यही मैं पूछने आना था, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2011। 2011 में आप पैदा हुई हैं? यानी कि जब आशिकी 2 आई थी तो आप 2 साल की थी। लेकिन आशिकी 2 जिसे बोलते हैं ना, मतलब उसके सॉन्ग ऐसे हैं कि वो ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है। हाँ, वो आज भी जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब स्पेशली मेरी मम्मा को तो आपके सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जैसे अली मामा ने बताया कि मतलब मुस्तफा जाहिद आया तो मम्मा ने बोला भाई जल्दी चलो क्योंकि मम्मा तो आपकी मतलब सुनती ही सुनती हैं। आप जब अगला शो में आऊँगा ना मैं आपके साथ करूँगा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपकी बातें सुनकर। थैंक यू सो मच। और मुस्तफा अंकल, आपने अपना करियर कब से स्टार्ट किया? मतलब मैंने अपना करियर शुरू किया था बेटा 2004 में। मैं अंडरग्राउंड म्यूज़िक में गाया करता था, फिर इंडियन फिल्मों में गाना शुरू कर दिया और अब माशाल्लाह जो है 16 सालों में। और आपका मतलब लाइफ चेंजिंग सॉन्ग कौन सा था? लाइफ चेंजिंग सॉन्ग था तो फिर आओ मुझको सताओ, याद है आपको? आवारापन फिल्म, आशिकी की फिल्म, वो था। आप उसको मतलब उसके लिरिक्स और गुनगुना सकते हैं? तो फिर आओ मुझको सताओ सुना था आपने? yes, yes. आपके पैदा होने से पहले का गाना। मगर मम्मा तो सुनती रहती है ना, मतलब वो कानों में। वैसे ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा आपकी मम्मा का म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा है। गुड टेस्ट, थैंक यू सो मच। और मुस्तफा अंकल, मतलब आपको मतलब बचपन से ही था कि मैं बड़े होकर सिंगर बनूंगा या फिर बाद में जाके? नहीं, मेरा पायलट बनना था। मतलब क्या हुआ जो आप सिंगिंग फील्ड में लग गए? पायलट बनना बहुत मुश्किल था, बना नहीं जा रहा था, गया भी था बनने, भाग के आ गया वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं होटल मैनेजमेंट करता हूँ तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाता हूँ होटल मैनेजमेंट करने, वो भी नहीं मुझसे। पढ़ाई में थोड़ा वीक था, फिर मैंने कहा जब कुछ नहीं होता गिटार पकड़ के दुखी गाने बनाने शुरू कर देता हूँ। तो फिर ऐसे ही आपने प्रैक्टिस की तो फिर आप मतलब इतने मतलब आप हिट हो गए? इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं ना, सिर्फ गिटार पकड़ के, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत लंबा सफर तो होगा। जी जी जी, स्ट्रगल तो यू नो इट इज पार्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्री। हालांकि मैंने मतलब मुझे 1 ईयर टू 2 ईयर ही हुए हैं मतलब स्टार्ट कर, मगर उसके पीछे भी इतना स्ट्रगल है कि मतलब कंटेंट है तो फौरन व्लॉग करो भाई, बिल्कुल छोड़ने दो। मम्मा ने यही समझाती है कि करो कंसिस्टेंसी। आज भी इनको वंडरलैंड जाना था, इनका प्लान था, ये कंप्लीट रेडी थी, कॉल आई है तो मैंने इसको बताया और उसके बाद इसने कहा कि ठीक है हम यहाँ पर। आप बहुत अच्छा करती हो और आपको करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो मैं आपको बड़े भाइयों की तरह एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप अपना कुछ भी कंटेंट बनाओ ना तो हर कंटेंट का स्टार्ट या एंडिंग पे आपको जितने भी बच्चे हैं आपकी ग्रुपेज के, आपसे बड़े आपसे छोटे, उनको एक अच्छा मैसेज ज़रूर देना है आपने। मैं इनफैक्ट आपने बात है, मैं इनफैक्ट मतलब मैं देती मतलब किसी से भी मैं करती हूँ तो मैं मतलब मैसेज तो लाजमी लेती हूँ। तो मैं आपसे बोलने ही वाली कि लाइफ में सक्सेसफुल होने का मैसेज दे दें मेरे फ्रेंड्स। लाइफ में सक्सेसफुल होने का मैसेज बड़ा सिंपल है कि आपको इस तरह अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जब आप जो भी काम करो आप उसमें इतने कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको खुद इज्जत और रिस्पेक्ट देता है। थैंक यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी बोल दो, चिली मिली। फौरन से पहले जी, चिली बहुत चिली मिली चैनल है ये, फौरन से पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और मैंने तो करना है अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का मीडिया अच्छा लगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।